देश भर में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। उसी कड़ी में आज जगाधरी शहर में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। तिरंगा यात्रा शुरू होते ही जन सैलाब में तब्दील हो गया। हजारों युवाओं, स्कूली छात्र छात्राओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और जगाधरी के लोग हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय के जय घोष लगाते नजर आए। तिरंगा यात्रा ने पूरा जगाधरी शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। जहां जहां से भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, वहां पर पुष्पों की वर्षा कर तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है ये तिरंगा यात्रा। देखते ही देखते हजारों युवाओं, स्कूली छात्र छात्राओं, महिलाओं और आम जनता के जोश के साथ तिरंगा यात्रा जन सैलाब में तब्दील हो गई। हजारों लोगों ने देशभक्ति की भावना के साथ हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। कृषि मंत्री ने बताया कि आज तक का अभूतपूर्व समर्थन इस तिरंगा यात्रा को मिला है। उन्होंने कहा है कि आजादी का पर्व हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी कड़ी में पूरे देश में और पूरे हरियाणा में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये अवसर है कि अब हम शहीदों को याद करें, जिन महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान दिए, चाहे आजादी की लड़ाई में, चाहे आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, उन सबको याद रखें और उन सबको प्रणाम करें। देखिए 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और इसको खूब धूमधाम से मनाया जाए, तो इसी के लिए ये 3 दिन की यात्रा जो है 11, 12 और 13 तो पूरे हरियाणा के सभी हलकों में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा और इसमें समाज के सभी वर्ग मिलजुल के ज्यादा से ज्यादा भाग ले रहे। और मैं समझता हूं कि इससे जो देशभक्ति का भाव है और जो हमारे महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए अपने बलिदान दिए, तो उनको याद करने का अवसर है। और उन्होंने किस बात के लिए बलिदान दिए, कैसा भारत देखना चाहते थे, वैसा भारत बनाने के लिए हम सब संकल्प लें। और जो एक टारगेट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए हम सब मिलकर काम करें, तो मैं समझता हूँ उसके लिए ये बहुत जरूरी है। और आज बहुत बड़ी संख्या में समाज के सभी वर्गों ने इस यात्रा में भाग लिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं नहीं लोगों में बड़ी भारी खुशी की लहर है और आपने देखा घरों से भी और दुकानों से भी निकल के लोगों ने स्वागत भी किया और उन्होंने खुशी का इजहार भी किया। बच्चों में ज्यादा जोश होना ही चाहिए क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है और आने वाले 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने की बात है, मैं समझता हूँ उसमें बच्चों का बहुत बड़ा योगदान होगा, तभी ये देश का नेतृत्व करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।